नमस्कार भैया, मैं हूँ सोनू सत्या और आप सब देख रहे हैं साई न्यूज सीरीज। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले वही सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी। कुछ दिन विवाद में भी रहते हैं और जब विवाद से थोड़ा सा अगर फ्री होते हैं तो वो चोरी में भी घुस जाते हैं। ऐसा मैं आप सभी से क्यों बोल रहा हूँ, जो कि आप सभी को हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा सच्चाई आप लोग के बीच रख करके बताऊंगा, जो कि आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, पूरा सच्चाई आप लोग को मैं बताऊंगा। जो कि चलिए, विवाद में रहते उनका हमें लगता है कि पूरा पहले से ही आदत है। उसके बाद क्या करते हैं, जब विवाद में रहते हैं, जब थोड़ा सा क्लियर होते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, कोई भी बच्चा हो या जब देखते हैं कि कोई नए कलाकार का गाना जब हिट होता है तो उसका भी गाना उठा करके गा लेते हैं। किसका गाना उठाए तो भैया आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए, किन किन लोगों का उठा के गाएं, नाम मैं क्या बताऊं, आप लोग खुद देख लीजिए स्क्रीन पे। एक ये जो आप गाना सुन रहे होंगे, दढ़िया बढ़िया लागेला, देखिए ये जो गाने का लाइनिंग है, कई कई बार पहले, 3 महीना 5 महीना पहले काफ़ी लोग गा चुके हैं। क्या स्टार का मतलब यही होता है कि छोटे छोटे बच्चे का गाना उठा करके गा ले, क्या छोटे छोटे कलाकार का लाइनिंग उठा करके गा ले? अरे भाई, आप स्टार है तो प्रोफेशनल एक अलग लेवल लाइए। पवन सिंह जैसा आप देख लीजिए, वो कोई भी लाते हैं तो एकदम प्रोफेशनल कुछ अलग लाते हैं, कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री उनसे सीखती है, उन्हें आइडियल मानते हैं। अगर आप बताइए, आप आज से तो इस इंडस्ट्री में नहीं है, आपको करीब 20-30 साल हो गया इंडस्ट्री में आए हुए, आप इंडस्ट्री के एक धरोहर हैं। अब बताइए, जब आप एक धरोहर होकर के आप ऐसे गलती कीजिएगा तो नए आने वाले सिंगर क्या करेगा? कम से कम आप अपना वैल्यू तो बना करके रखिए। उसके बाद क्या है, आप अगर खेसारी भैया कहिएगा कि राइटर दे देता है, तो राइटर के मैं बात करूँ, जो कि इसमें गीत जो है अखिलेश कश्यप जी का है और खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से इस गाने को और वीडियो को लॉन्च किया गया, जो कि खेसारी लाल यादव शिल्पी राज मिल के इस गाने को गाए हैं। और इसमें एक्ट के रूप में काम किए एक्ट्रेस यामिनी सिंह है और खेसारी लाल यादव पूरा टेक्नीशियन टीम है, और ए बी गुप्ता करके कोई भैया का म्यूजिक है, इस ए बी गुप्ता, इसमें सारे लोगों का ठीक है। लेकिन हमें लग रहा है ये गाना, अगर आप स्टार हैं तो आप स्टार लेकर गाइए, स्टार लेवल तक रहिए। आप कोई छोटे छोटे कलाकार का अगर वो भी आए, अगर आपको लाए बार के गाली गलौज कर दे, तो आप में और उप में क्या फर्क रह जाएगा? और दूसरी बात यह रह गया अखिलेश भैया के रिलेटेड, तो अखिलेश भैया के पास इतना सारा चैनल है, इतना सारा उनके पास काम है, तो भैया आप गाना कैसे लिख लेते हैं मुझे कमेंट में थोड़ा सा बताइएगा। खेसारी भैया के चाहने वाले फैंस लोग, ये तो मुझे डाउट लगता है इस पर। हमें लगता है कि कहीं से आप गाना किन लेते होंगे और अपना नाम दे करके इनसे गवा लेते होंगे। लेकिन देखिए, खेसारी भैया के लिए अगर हम कहें तो इसमें आपका स्टारडम टूट सकता है, गिर सकता है। आप कितना दिन ऐसे कीजिएगा, 10 दिन 5 दिन, अब कुछ दिन होते रहता है तो आपका विवाद, मतलब कुछ ना कुछ चोरी से हो जाए, जिस चीज़ से भी हो, मतलब आते रहता है। इससे क्या होता है ना, अच्छे अच्छे लेवल का लोगों का उससे कनेक्शन जो होता है ना, जो जिन्हें आइडियल मानते हैं, जिन्हें कुछ भी मानते हैं, जिन्हें अच्छा मानते हैं, उनसे जो होता है कनेक्शन टूटने लगता है। तो इसमें क्या होता है, आपका स्टारडम गिरने का डर होता है। तो सबसे पहले आप अपने टीम से सतर्क रहिए, और आप बच्चे नहीं है, काफ़ी दिनों से काम कर रहे, तो आपको खुद माइंड हो सकता है, खुद विचार हो सकता है मुझे किस तरह से चलना है। और आपके पास हम समझ रहे हैं कि आप इतना बाप बाप क्यों करते हैं, इसीलिए तो प्लीज़ ये वहाँ पे लेकर ही सबको नहीं लिया जा सकता है, जो भी रखना है यहीं पे रखना पीना है। एकदम माइंडली से, और मेरा वीडियो देख लिए होंगे तो समझ गए होंगे, एक ही इशारा में आप प्रोफेशनल काम कीजिए। और जितने भी भैया को चाहने वाले फैंस हैं, खेसारी भैया या पवन सिंह या कोई भी हो, सब कलाकार का गाना सुनिए, ये मेरे लिए सब लोग एक समान है, हम किसी को नहीं। लेकिन हाँ, जहाँ पे मुझे गलत लगेगा वो मैं आप ही लोग को बता सकता हूँ, और सोचना समझना तो इन लोगों को हाथ में है। तो जितने भी भाई आप सब वीडियो देखें, आप सभी को इस विषय पे जो भी कहना होगा कमेंट के माध्यम से कमेंट करके जवाब में अपना दीजिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं कुछ अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय भारत।